सो हेलो ब्रदर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो भाई आज भी हम एक नई इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। पहले तो भाई मौसम बहुत गजब का हो रहा है भाई इस टाइम। अब मॉनसून भाई गजब आने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से यार हम ओपन में नहीं वीडियो बना सकते यार, बारिश आ रही है, तो इस वजह से गाड़ी में अटके बना रहा हूँ। तो मुद्दे पर बात कर लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा ना, जैसे कि भाई हर कोई एक मेरे हिसाब से एक नई गाड़ी की मार्केट के अलावा एक सेकंड हैंड मार्केट ज़्यादा प्रचलन रहती है, ठीक है। अगर भाई नई गाड़ी के कस्टमर आप ये मान के चलो अगर 40% है, तो सेकंड हैंड गाड़ी के 70% है, ठीक है भाई। तो मैं आज की वीडियो में जो बात करने वाला हूँ, एक जो हमारी कई कैटेगरी होती है गाड़ी की, आपकी SUV, आपकी सेडान, हैचबैक, MPV, MUV, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई क्या कहते हैं एक सेडान गाड़ी के बारे में, क्योंकि सेडान कैटेगरी की भाई एक अलग ही फैन बेस है, उसको चाहने वाले अलग हैं, ठीक है। तो जो आज हमारा बजट रहने वाला है वो रहने वाला है भाई 2.5 लाख रुपए। अंडर 2.5 लाख में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट सेडान कौन सी होगी सेकंड हैंड, जिसमें आपको फीचर्स भी मिलेंगे, एक अच्छा एवरेज माइलेज, सभी चीजें आपको एक पूरा पैक मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं बिना किसी के। तो भाई सबसे पहले जो मैंने अपनी लिस्ट में जो गाड़ी रखी है वो रखी है भाई, मैंने रखी है भाई मतलब पांचवें नंबर पे अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो वो रखी है भाई मैंने होंडा सिटी। तो भाई होंडा सिटी अगर मैं आपकी बात करूँ, 2013 से 14 मॉडल पेट्रोल में आपको आराम से इस प्राइस रेंज में मिल जाएगी, जिसकी वैलिडिटी भी अच्छी खासी होगी, वो आप 3-4 साल आराम से चला सकते हैं। ये गाड़ी आपको इंटीरियर में भी आपको बहुत प्रीमियम लुक देगी भाई, 13-14 मॉडल के हिसाब से भी जो इसका इंटीरियर है बहुत गजब है। और दूसरी बात भाई, इसमें आपको ऑल 4 पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, AC हीटर, पावर स्टीयरिंग, फोग लाइट, इसमें सभी तरह के आपको डिफोगर, सभी तरह के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये गाड़ी भाई बहुत स्पेसियस है भाई, अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी है, लंबी गाड़ी है, आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिलेगा और बैठने का स्पेस आपको इसमें ज़्यादा अच्छा खासा भाई मिलेगा। और अगर इसकी माइलेज की बात कर लूँ तो सिटी में जो इसका एवरेज रहेगा वो 14-16 रहेगा, और हाईवे पर अगर आप क्रूज करके चलाते हो 80-90 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, तो आपको 18-19 तक का एवरेज आराम से दे देगी। सर्विस कॉस्ट की मैं बात करूँ तो भाई इसकी 2500 से लेके 3000 तक की आराम से सर्विस इसकी हो जाती है। तो भाई मेरे हिसाब से भाई ये गाड़ी आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सिक्स सेडान देख रहे थे, आप होंडा सिटी आराम से कंसिडर कर सकते हैं भाई। तो अब मैं बात करूँगा इसके 4th नंबर पे जो मैंने अपनी गाड़ी रखी है भाई, वो रखी है भाई टोयोटा की इटियोस। भाई टोयोटा की इटियोस इतनी ज़्यादा प्रचलन गाड़ी नहीं है, लेकिन भाई ये बहुत ही एक अंडररेटेड गाड़ी है भाई, ठीक है। टोयोटा इटियोस में आपको रिलायबिलिटी एक नंबर की मिलती है, ठीक है। आप इस गाड़ी को चले हम से, इस गाड़ी का पिकअप ऑल ओवर भाई एक नंबर मिलता है भाई, एक नंबर, ठीक है। ये गाड़ी तो आपको आराम से भाई 2-2.25 लाख तक भी आराम से मिल जाएगी। सर्विस कॉस्ट की बात करूँ थोड़ी सी इसकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा जाती है भाई, 3-3.5 हज़ार रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट हो जाती है। मीटर इसका सेंटर में मिलता है भाई, 4 पावर विंडोज में हमें आराम से मिल जाती है। तो टोयोटा इटियोस भी आप इसमें भाई कंसिडर कर सकते हैं। तो नंबर तीन पर जो गाड़ी आती है वो आती है भाई हुंडई वालों की वर्ना। वरना भाई वरना का तो भाई आज भी कोई तोड़ नहीं है। आज तो खैर भाई जिसका नया जनरेशन आया वो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन भाई होंडाई वरना इज ए भाई एक नंबर की गाड़ी है भाई। उसका लुक, उसका इंटीरियर, बीच कलर में उसको इंटीरियर मिलता है। उसको बूट स्पेस में बात करूँ, एप्रोस 450+ लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है आपको। 4 पावर विंडो, सेंटर लुकिंग और एक नंबर की लुक मिलती है भाई, ठीक है। अगर मैं उसके सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट उसकी भाई लगभग वही टोयोटा इटियोस जितनी हो जाती है हमारी, 3-3.5 हज़ार रुपये में। और भाई लगभग उसके अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो एवरेज उसका आराम से वही आपको 15-16 आपका सिटी में रहेगा, और हाईवे पे आपका इसमें एवरेज रहेगा आराम से आपका 17-18, ठीक है। ये भी आराम से आपको 13-14 मॉडल भाई आराम से आपको 2.5 लाख के अंडर में आराम से मिल जाएगा। वो आपको कंसिडर कर, आपको कोई 3 लाख बताया तो आपको समझदार बनना है उस प्राइस रेंज में खरीदने के लिए। नंबर 2 पे जो हमारी आती है भाई, मारुति हमेशा से नंबर 1 पे रही है, वो है मारुति की स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर का भाई आप ये मान के चलो आप VXI उसका खरीद सकते हो, 4 पावर विंडो, सेंटर लुकिंग, और भाई डिफोकर तो खैर उसमें नहीं मिलता, लेकिन एक बहुत बढ़िया पैक इसमें मिल जाता है। एवरेज की बात करो तो 20-22 का उसका एवरेज रहेगा। सर्विस कॉस्ट उसकी बहुत कम है, 2-2.5 हज़ार रुपये, और भाई स्पेस उसमें आपको अच्छा खासा मिलता है, 1835 के लगभग उसमें चौड़ाई मिलती है, तो स्पेस उसका एक नंबर का रहेगा भाई, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लगभग 500 लीटर का उसमें बूट स्पेस हमें मिलता है, तो आप समझ सकते हैं उस गाड़ी इम्पोर्टेंस को। वो भी आराम से आपको 2.5 लाख के अंडर में मिल जाएगी, और उसका आपको 11 मॉडल मिल जाएगा भाई, 2 या सवा 2 लाख के। 12 में उसका फेसलिफ्ट आ गया था, 12 भी आपको आराम से भाई 2.5 लाख के अंडर में मिल जाएगी 12 मॉडल, ठीक है। तो
तो नंबर वन पे जो मैंने गाड़ी रखी है जिसको आप परचेस कर सकते हो भाई, वो है आपकी मारुति की ही SX4। भाई इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं था, इसमें हमें 1600 cc का पेट्रोल और डीजल दोनों में आपसे ज्यादा, आप VXi छोड़ो आप इसका ZXi आराम से खरीद सकते हो। ZXi में आपको एलोय व्हील, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लुकिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, AC, फोग लाइट, डिफोगर, ऑल स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तक उसमें मिलते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, 12 से 13 मॉडल उसका आराम से आपको 2 लाख तक में मिल जाएगा। 2 लाख में आपको वो गाड़ी बहुत सही रेट में मिल जाएगी। उसका एवरेज थोड़ा सा भाई मैं थोड़ा कम होगा भाई, थोड़ा सा कम रह सकता है 15 से 16 उसका एवरेज। बूट स्पेस आपको 500 प्लस मिलेगा। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया गाड़ी वही रहेगी नंबर वन में, अगर आप एक सेडान देख रहे हो। ठीक है भाई, स्पेस उसमें अच्छा खासा है, मेरे हिसाब से तो आप उस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। तो होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो भाई अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो कि आपको काफ़ी हद तक पता लग गया हो कौन सी गाड़ी परचेस करते हो, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।